आयरोनिक जिस तरह से नाम है मेट्रो, क्या ये आज की जो मुंबई का जो स्टेट है उस जिस तरह का जो प्रेस लोगों के दिमाग में उस तरह की कहानी कुछ कहना चाहेंगे कि उन लोगों के ऊपर कहानी है? एक्चुअली कोई भी शहर की, मुंबई शहर की नहीं है ये, लंदन भी हो सकती है, दिल्ली भी हो सकती है, चंडीगढ़ भी हो सकती है, लखनऊ भी हो सकती है, ये शहर जो शहर की कहानी है, आई थिंक इट्स अबाउट ये जो बोलते हैं सिटी ऑन द मूव, सो इट्स अ सिटी इन मोशन। आज म्यूजिक रिलीज है तो उसके बारे में कुछ बताइए, किस तरह का म्यूजिक है? आई थिंक जो प्रीतम ने जो ट्रैक बनाया है और जो अनुराग ने ट्रीट की है, एक अजीब सी बात है, क्योंकि आई थिंक ऑडियंस विल बी क्वाइट सरप्राइज कि ये जो हाउ वी इंटीग्रेटेड म्यूजिक इन टू द मूवी। वेरी गुड। जैसा कि आजकल इंडस्ट्री में ट्रेंड चला है कि कई छोटे बड़े बड़े स्टार कास्ट को लेके अलग अलग कहानी बनाती है, जैसे सलामेश का ही, और तो क्या ये मेट्रो भी, क्योंकि बड़े काफ़ी स्टार हैं स्टार्स, आई थिंक मोर देन स्टार्स एवरीवन इज अ ग्रेट परफॉर्मर। ये जो पिक्चर में जो की है सब लोग की जो होती है सब एकदम एक से बढ़कर एक परफॉर्मेंस होती है, और दूसरी जो ज़्यादा करके देखेंगे तो जो स्केल पे माउंट की हम लोग ने बड़ी फिल्म की जैसे, और ये नहीं हो सकते कि अलग अलग कहानी है, एक्चुअली ये एक शहर की कहानी है, तो अलग अलग कहानी मतलब कैरेक्टर्स जो मिलजुल के आते हैं, इट ऑल गेट्स इंटीग्रेटेड। म्यूजिक के बारे में जानना चाहूँगी, किस तरह का म्यूजिक है जिस तरह का आप म्यूजिक अभी सुनने वाले हैं, और खास ज़्यादा करके हम लोग दिखाई नहीं रहे लेकिन लाइव बैंड भी कर रहे हैं यहाँ। म्यूजिक रिलीज है और जाहिर है फिल्म आपकी है तो म्यूजिक तो सभी गाने आपको पसंद होंगे, लेकिन कौन सा गाना सबसे ज्यादा पसंद है? देखिए आप देखिए, दीज आर ऑल हॉन्टिंग, दीज आर नॉट लिप सिंक नंबर्स इन दैट सेंस, दे ऑल मूड नंबर्स, एंड मूड ऑफ द सिटी, मूड यानी शहर की मूड, कैरेक्टर्स के मूड, इमोशंस के मूड, उसके सब वजह से है, तो म्यूजिक हैज टू बी एट दैट सेम हाई प्लेन।